आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जेर तमाम आज यूनिट टेस्ट का इनकाद किया गया था। जिक्र यूनिवर्सिटी की बात कहें तो 10 इम्तिहानी सेंटर बनाए गए थे और उसमें आज तुलबा तलबा की तादाद थी 5,556 तलबा तलबा ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया। लेकिन अगर हम इंतजाम की बात कहें तो इंतजाम कुछ बेहतर नजर नहीं आए। जो इम्तिहानी सेंटर बनाए गए थे वो मेन गेट से कम अज कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर फासले पर बनाए गए थे, जिसकी बना पर तलबा तलबा को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा और गर्मी से तलबा तलबा काफी बेहाल नजर आए। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो एंट्री टेस्ट के उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इंतजाम के बारे में क्या कहते हैं और जो उनका पेपर हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो भैया पहले आप बताइएगा, जो इंतजाम इंतजामिया की जानब से किए गए क्या आप उससे मुतमिन थे, जो उसके बारे में कुछ बताइएगा। नहीं नहीं, इतना ज्यादा इंतजाम अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत वहाँ पर ना मुनासिब शाय का इंतजाम था, शाय का इंतजाम मुनासिब नहीं था और गर्मी बहुत ज्यादा थी, वालदैन के लिए बहुत सी परेशानी हुई है। वालदैन को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि वालदैन के बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई थी। वालदैन जो यहाँ पे आए हुए थे अपने बच्चों के साथ वो दरख्तों के नीचे साय के की तलाश में घूमते रहे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दावे किए थे कि 10 इम्तिहानी सेंटर बनाए गए, वहाँ पे बेहतरीन सहूलियात का इंतजाम किया गया, लेकिन वो सहूलियात दावे के दावे दे दिए हैं। और भी हमारे साथ हम उनसे भी बात करते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो भैया बताइएगा, जो इंतजाम किए गए उसके बारे में क्या कहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नाकुश इंतजाम थे, क्योंकि हमें स्टार्ट से मुश्किलात का फेस करना पड़ा। हम यहां पे आए, यहां से इतना दूर आगे जो सेंटर था हमारा हाल ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई और मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमने तो फिर भी फेस कर लिया, जो हमारी लेडीज बहनें थी, लड़कियाँ थी, उन्हें बहुत सी मुश्किलात का फेस करना पड़ा क्योंकि वो अकेली तो आ नहीं सकती और उनकी माएँ बहनें जो वालदैन आए हुए थे वो आगे जा नहीं सकते थे। और इतना रश था, कोई तरतीब नहीं थी, कोई सेटिंग नहीं थी। नेक्स्ट टाइम एक तो ये असर, इनका इंप्रेशन इतना खास नहीं था। अगर हमें मतलब कि अच्छा माहौल प्रोवाइड होता तो हम अच्छा पेपर कर सकते और अच्छा एंट्री टेस्ट क्लियर कर सकते, आगे मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकते। स्टार्ट में वालों का ये कहना है कि यहाँ पर बेहतर इंतजाम ना होने के बाद इनका जो पेपर है वो भी मुतासर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में फीमेल स्टूडेंट आए हुए थे उन्हें भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा, वालदैन को भी मुश्किल का सामना करा। और मुल्तान जिक्रिया यूनिवर्सिटी में 5,556 उम्मीदवारों ने आज एंट्री टेस्ट का इम्तिहान दिया, जबकि अगर हम NFC इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ 1,240 उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट का इम्तिहान दिया। और अब 11:40 पर भी ये पेपर इख्तिताम हुआ। अब जो वालदैन और जो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे जो एंट्री टेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया, अब वो घरों की जानिब रवाना हो रहे हैं। ट्रैफिक के बीच ये मुश्किल का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो इंतजाम किए गए थे यूनिवर्सिटी इंतजाम की जानिब से वो ना होने के बराबर थे, जिसकी बिना पर जो उम्मीदवार थे उसके अलावा जो उनके वालदैन थे उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और उम्मीदवारों का भी ये कहना है कि वो इस यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देने के लिए आए थे, अपने फ्यूचर बनाने के लिए आए थे, लेकिन नाकिस इंतजाम की वजह से उनका फ्यूचर भी दांव पर लगाया है। जी फ्यूचर भी दांव पर लगाया गया। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका।